हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड वेडिंग सीजन क्योंकि अभी फुल स्विंग में है, सो आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट वेडिंग आउटफिट्स एंड स्पेशली पार्टी वेयर आउटफिट जो कि आप इस सीजन स्टाइल कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 48 लाख शादियां हो रही हैं इस सीजन, इसीलिए मैं दिमाग लगा रही थी कि आप लोगों के लिए ऐसे कौन से यूनिक आउटफिट हो सकते हैं दैट कैन मेक यू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। एंड इसलिए आई एम हियर विथ ऑल द वीडियोज सजेस्टिंग पार्टी वेयर एंड वेडिंग वेयर आउटफिट्स। सो गाइज, without further ado, let's just jump into the video. All right, so starting with the first amazing outfit, this is a gorgeous kurta set, silk blend material mein hai, and then we have the work going on in multicolor. So this is a red base jiske upar properly, you know, multicolor mein you can see this work going on, thread work hai, and in fact ye jo pura ka pura running work aap dekh rahe ho na, it gives you this vibe of wedding wear. Like just look at the lace की detailing. ये जो fringes वाले lace आजकल ज़्यादा चल रहे हैं, जिसकी वजह से एक अलग ही outfit में look आ जाता है, and this is something which is like I would really recommend you guys. Running straight fit कुर्ता है and नीचे hemline पे कुछ इस तरह से ये detailing दी हुई है। Now, because it's a silk blend material ना, इसके साथ ये attached lining दी हुई है and which is stitched. Generally lining दिखती है but इसमें दिख नहीं रही है, it's actually stitched. तो lining के ऊपर ही proper इस तरह से ये work किया हुआ है, being mindful कि ये silk material है and silk material बहुत ही delicate होता है, so उसके साथ ही इन्होंने run किया हुआ है. Now let's talk about the sleeve. So ये 3/4 length की sleeve है, sleeve पे भी we can see the mirror work, the sequin work and this fringes lace detailing going on. इसके साथ जो pant आता है, it's a straight fit normal pant जिसके right side में pocket दिया हुआ है. Now we have the third piece which is the chunni. It's a regular simple chunni because हमारे outfit, हमारा जो कुर्ता है ये काफ़ी ज़्यादा heavy है, तो दोनों heavy हो जाता तो फिर distraction हो जाती, तो इसी लिए हम इसको कुछ इस तरह से carry करेंगे. So if you want your kurta to be the center of attraction, just take your dupatta like this ताकि हमारा ये जो स्लीव सेक्शन है ये भी दिखे, हमारा ये फ्रंट सेक्शन वो भी अच्छे से कवर हो जाए, एंड क्योंकि सर्दियां हैं तो थोड़ा ये ठंड से भी बचा लेगा. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्राइस. ये 1999 अप्रॉक्सीमेटली 2000 समझ लो, 2000 का ये खूबसूरत सा आउटफिट है. आई लव द कलर, सो दिस इज समथिंग विच आई वुड रेकमेंड यू गाइज. नाउ लेट्स क्विकली जंप ऑन टू द स्टाइलिंग हियर. तो यहाँ पे मैंने ये ड्रॉप इयरिंग ली है जिसमें प्रोमिनेंट सिंगल कलर है ये येलो कलर, बिकॉज वी हैव इट इन आर आउटफिट. आई डिडंट वॉन्ट टू यू नो गो विथ मल्टीपल कलर वाले इयररिंग बिकॉज वो फिर क्लैश होता, आई डोंट वॉन्ट दैट. ऑल राइट, सो फॉर हैंड बैग आई एम गोइंग टू टेक दिस गॉर्जियस बैग जिसमें वी हैव वर्क थ्रू आउट, लाइक फ्रंट एंड बैक दोनों पे वर्क है. सो इसका जो ये स्ट्रैप है, यहाँ पे भी वी हैव गुड अमाउंट ऑफ लेस वर्क, एंड ये जो बीड्स है ना, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है. इस तरह के बीड्स काफ़ी ट्रेंड में है इस सीजन, सो आई एम गोइंग अहेड विद दिस. इस तरह से मैं ले लूँगी इस बैग को, एंड दैट्स हाउ इट वुड वर्क. फॉर फुटवेयर आई एम गोइंग अहेड विद दिस कोल्हापुरी चप्पल, एंड दिस इज हाउ द ओवरऑल लुक लुक्स लाइक गाइस. ऑलराइट, सो सिल्क ब्लेंड मटेरियल में ये ग्रीन, लाइट ग्रीन काइंड ऑफ आउटफिट है. लाइक दिस एक्चुअली लुक्स लाइक मोर काइंड ऑफ अ क्रीम और एकदम मेहंदी कलर वाला जो ग्रीन है ना, उसका एकदम लाइटर वर्जन का कॉम्बिनेशन, क्योंकि मेहंदी हल्दी ये फंक्शंस में ना बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर चलते हैं. स्पेशली इस सीज़न में ही ग्रीन कलर का बहुत ज़्यादा, मैंने जितना नोटिस किया आप लोगों को ग्रीन कलर बहुत पसंद आ रहा है एंड येलो कलर, तो वो दो कलर मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि रखूँ. सो स्टार्टिंग विद दिस वन, ये सिल्क ब्लेंड मटेरियल में है एंड थ्रू आउट ऊपर से लेके नीचे तक इस तरह से ये पूरा काम किया हुआ है. सो द वर्क इज़ अ गॉर्जियस ब्लेंड ऑफ ग्रीन एंड एम्ब्रॉयडर्ड थ्रेड. नाउ ये 3/4 length की स्लीव है, वी हैव कट्स ओवर हियर एंड देन वी हैव द वर्क गोइंग ऑन. सो सिल्क ब्लेंड मटेरियल है तो इसमें एक्स्ट्रा वर्क दिया हुआ है. यहाँ पे स्टिच है लेकिन स्टिचिंग इधर नहीं की हुई है जैसा वो एक रेगुलर कुर्ता सेट्स में होता है. इसका जो पैंट है सेम इसी कलर का है बट सिंपल है, कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं है. राइट हैंड साइड पे बस पॉकेट दिया हुआ है.
नाउ कम्स द दुपट्टा. सो इसका जो दुपट्टा है ये ऑर्गेन्जा मटेरियल में है एंड एज यू कैन सी ये प्रॉपर इस तरह से ये वर्क किया हुआ है थ्रू आउट. सेम यही वर्क है जो कि हमारे कुर्ते पे है ना, वैसा ही वर्क है थ्रू आउट. लंबा दुपट्टा है ये, लाइक अ रेगुलर लॉन्ग, गुड लॉन्ग लेंथ ऑफ दुपट्टा. इसकी जो प्राइस है करंटली मुझे ये 2199 रुपीज़ की दिख रही है. मैंने ये मीडियम साइज़ में पहना है बिकॉज मैं जब इसको देख रही थी अमेजोन पे तब स्मॉल साइज़ नहीं था. सो बिकॉज ऑफ विच इट्स काइंड ऑफ आई वुड से ये हल्का सा आपको इल फिटेड लगेगा, बट it is what it is. But this is a gorgeous green shade if you don't want to go for a traditional green color. Okay, now let's quickly jump on to the styling here. So yahan pe maine ye bada sa dangler liya hua hai jisme we have shade of मरून, जिसकी वजह से ये अच्छा लग रहा है. पहले अगेन मैंने इसमें मल्टी कलर ट्राई किया था बट वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था. सो इसके साथ आई एम गोइंग टू टेक दिस गॉर्जियस बैग जिसमें वी हैव मिरर वर्क, ऑल द शेड्स ऑफ ग्रीन गोइंग ऑन एंड रेड प्रोमिनेंट है विच इज़ एक्चुअली मैचिंग विद दैट ऑफ माई ईयरिंग एंड वी हैव दिस लेस वर्क गोइंग ऑन थ्रू आउट इसके स्ट्रैप पे. And to complete the look, I'm going ahead with this golden heel. And this is how the overall look looks like, guys. All right, so silk blend material में ये lavender color में कुर्ता set है. इसमें ना actually दो different चीज़ें हैं. पहली चीज़ तो ये कि ये threadwork किया हुआ है मल्टी कलर में. एज यू कैन सी यहाँ पे भी neckline पे ये proper threadwork है. एंड देन वी हैव tassels की detailing going on. यहाँ पे 3 डिफरेंट कलर्स के टैसल्स लगे हैं एंड देन वी हैव लेस की डिटेलिंग ओवर हियर. तो ये प्रॉपर लेस का डिटेलिंग दिया है. ए लाइन है ये एंड ये जो रनिंग आप जो देख रहे हो ना ये पूरा नीचे तक है. नीचे जस्ट हल्का सा एक स्लिट है एंड ओवरऑल ये जो कलर कॉम्बिनेशन जो है थ्रेडवर्क का वो ही नीचे हेमलाइन पे भी किया हुआ है. बॉटम जो है इसका सेम यही कलर है, सेम हेमलाइन पे वर्क है यही एंड इट्स अ काइंड ऑफ मोनोटोन. इसके साथ आता है जो दुपट्टा वो है ये प्रिंटेड दुपट्टा एंड वी हैव टैसल वर्क एट द फोर एंड्स ऑफ दिस दुपट्टा. सो ये कुछ इस तरह से प्रिंटेड दुपट्टा है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये फुल इसका लुक कुछ इस तरह से है. सो इस सीजन ना पर्पल लैवेंडर भी काफ़ी ट्रेंड में है. तो इफ़ यू वॉन्ट टू गिव दिस वन अ ट्राई डेफिनेटली यू शुड थिंक अबाउट दिस. नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द प्राइस. सो करेंटली मुझे ये 2499 रुपीज़ का अमेजोन पे दिख रहा है और मैंने ये स्मॉल साइज में लिया है. आपको डबल एक्सल तक मिल जाएगा. लेट्स क्विकली जंप ऑन टू द स्टाइलिंग हेयर. तो यहाँ पे मैंने ये ईयरिंग ली है जिसमें वी हैव मल्टी कलर दिस वर्क गोइंग ऑन, डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स एंड टू कम्प्लीट द लुक आई एम टेकिंग दिस क्लच जिसमें एक हल्का सा यू नो ब्लूइश ह्यू है एंड इट हैज़ दिस गॉर्जियस पर्ल डिटेलिंग गोइंग ऑन थ्रू आउट विथ मैक्रेमे वर्क. एंड ये सीजन जो है यहाँ पे मैक्रेमे वर्क बहुत ही अच्छा लगता है एंड स्पेशली इफ इट कम्स विद सच काइंड ऑफ एक्सेसरीज. ऑल राइट, सो इसके अलावा आई एम गोइंग अहेड विद दीज स्ट्रैपी हील. ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप है ये एंड दिस इज़ हाउ द ओवरऑल लुक लुक्स लाइक गाइज. All right, so येलो कलर में ये काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड स्ट्रेट फिट कुर्ता है सिल्क ब्लेंड मटेरियल में. थ्रू आउट द कुर्ता वी हैव दिस वर्क गोइंग ऑन एंड देन इसमें एक्स्ट्रा ये लाइनिंग दी हुई है कुछ इस तरह से. 3/4 लाइन की स्लीव एंड स्लीव पे इस तरह ये प्रॉपर वर्क किया हुआ है. इट्स अ मशीन एम्ब्रॉयडरी ओवरऑल एंड स्लीव पे भी नहीं, स्लीव पे कोई एक्स्ट्रा लाइनिंग नहीं है. जस्ट दैट ये जो वर्क है ना यहाँ आपको इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा लाइनिंग यहाँ अटैच की हुई है. इसके पैंट की अगर मैं बात करूँ इट्स अ नॉर्मल येलो कलर स्ट्रेट फिट प्लाजो विथ पॉकेट एट द राइट साइड. ओके, सो नीचे हल्के से फ्रिंजेस दिए हुए हैं विथ सिमिलर कलर थ्रेड एंड इसके साथ जो आता है ये दुपट्टा. सो ये दुपट्टा जो है कुछ इस तरह से है. वी हैव टैसल्स एट फोर कॉर्नर एंड देन द फ्लोरल डिटेलिंग गोइंग ऑन विद दिस स्कर्ट थ्रू आउट द दुपट्टा. काफ़ी लंबा दुपट्टा है बट चौड़ा उतना नहीं है एज यू कैन सी. जब हम इसको ऐसे रखेंगे सो दिस इज़ हाउ इट वुड लुक लाइक. इसका जो करंट प्राइस मुझे अमेजोन पे दिख रहा है वो है 1699 रुपीज़. मैंने ये स्मॉल साइज़ में लिया, आपको डबल एक्सल तक मिल जाएगा. नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द स्टाइलिंग हियर. तो थोड़ा कंट्रास्ट कलर रख रही हूँ मैं. तो यहाँ पे मैंने ये इयररिंग ली है जिसको मैंने
पिंक शेड में इस बार परचेज़ किया है। काफ़ी रेपिटेटिव पिंक कलर के ईयरिंग्स मैं आप लोगों को दिखाती थी, तो ये मैंने अगेन लाजपत नगर से ही लिए हैं। एंड हैंडबैग के लिए आई एम गोइंग अहेड विद दिस हैंडबैग, जिसमें वी हैव मल्टीपल शेड्स बट प्रोमिनेंट इज द पिंक वन। वी हैव पिंक स्ट्रैप विद दीज डिटेलिंग ओवर हियर। आई एम गोइंग अहेड विद दिस बैग जहाँ पे इस तरह से पिंक प्रोमिनेंट कलर है, एंड देन वी हैव अ लॉट ऑफ शेड्स ऑफ ब्लू एंड ग्रीन गोइंग ऑन, एंड स्ट्रैप पे इस तरह से वर्क किया हुआ है। सो दिस इज हाउ इट वुड लुक लाइक, इट्स गोइंग टू मैच विथ माई इयर रिंग। एंड टू कम्प्लीट द लुक आई एम गोइंग अहेड विद दिस जुत्ती, एंड दिस इज हाउ द ओवरऑल लुक लुक्स लाइक गाइज। ऑल राइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ग्रीन कलर कुर्ता सेट। ये जो है ना, इसका टॉप एंड बॉटम डिफरेंट फैब्रिक का है। सो टॉप जो है वो लीवा मटेरियल का है, बॉटम एंड दुपट्टा इसका है सिल्क ब्लेंड मटेरियल में। नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द टॉप। तो यहाँ पे ये पूरा जो हमारा कुर्ता है ना, इस पर इस तरह से ये वर्क किया हुआ है। वी हैव दिस बटन डिटेलिंग, ये ऐसे बटन नहीं होता है। नाउ दिस इज 3/4 लेंथ स्लीव जहाँ पे इस तरह के डिटेलिंग है। पैंट इज प्रिटी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, सेम कलर में ही है, जस्ट दैट मटेरियल डिफरेंट है एंड राइट साइड में पॉकेट दिया हुआ है। इसका जो दुपट्टा है वो अगेन सेम सिल्क ब्लेंड मटेरियल का है, एंड वी हैव द लेस रनिंग ओवर हियर। सो कुछ इस तरह से इसका लेस वर्क है ना, दोनों तरफ पे इस तरह ये वर्क है। अच्छा खासा चौड़ा दुपट्टा है ये, एंड लेंथ वाइज भी इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है। करेंटली मुझे ये 1699 का दिख रहा है अमेज़ॉन पे। ये मैंने स्मॉल साइज में लिया, आपको डबल एक्सल तक मिल जाएगा वेबसाइट पे। नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द स्टाइलिंग हियर। तो यहाँ पे आई एम गोइंग अहेड विद दीज गोल्डन ड्रॉप इयररिंग, बिकॉज इसमें यू कैन सी कि हमारे उतने कलर नहीं हैं, तो या तो हम इस कलर को चूज़ करेंगे या फिर गोल्डन कलर को, तो फिर हम ऐसे ही प्ले अराउंड करने वाले हैं। सो हैंडबैग के लिए मैं यहाँ पे ये बैग ले रही हूँ कुछ इस तरह से। इसका जो स्ट्रैप है उस पर कुछ इस तरह से वर्क है, विच इज़ एक्चुअली ब्लेंडिंग वेल विद दैट ऑफ माय आउटफिट। एंड थोड़ा सा डार्कर वर्जन ऐड कर रही हूँ मैं अपने फुटवेयर में। तो यहाँ पे ग्रीन में ही, ग्रीन फैमिली में ही हमारा ये बॉटल ग्रीन में ये फुटवेयर है। वेलवेट टेक्सचर है एंड इसके ऊपर ये जरी वर्क किया हुआ है, एंड दिस इज हाउ द ओवरऑल लुक लुक्स लाइक गाइस। ऑलराइट, सो हम आ चुके हैं अपने लास्ट कुर्ता सेट पे। सो ये जो है सिल्क ब्लेंड मटेरियल में पूरा का पूरा वर्क किया हुआ स्ट्रेट फिट कुर्ता है। इट्स अ गोल्डन फॉयल वर्क बेसिकली, एंड नीचे यहाँ पे इस तरह से ये लेस की डिटेलिंग दी हुई है। 3/4 लेंथ की स्लीव है, एंड यहाँ स्लीव के हेम पे यहाँ इस तरह से वर्क किया हुआ है। अगर मैं इसके बॉटम की बात करूँ तो बॉटम प्लेन सिंपल स्ट्रेट फिट है, एंड जस्ट राइट साइड में इसके पॉकेट दिया हुआ है। सो इसका जो दुपट्टा है ना वो कुछ इस तरह से है, एंड चुन्नी मटेरियल है बेसिकली, लेकिन इसके चारों तरफ ये वर्क है जो हमारे ये जो है ना स्लीव पे ये हेमलाइन वैसा वर्क है, एंड देन यहाँ पे ऐसे बिंदी वाले छोटे छोटे जो डॉट्स हैं वो लगे हुए हैं। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, काफ़ी लंबा एक्चुअल में ये दुपट्टा है। सो कुछ इस तरह से इसका पूरा लुक आएगा। ये मैंने स्मॉल साइज़ में लिया है, सरप्राइजिंगली स्मॉल साइज़ भी काफ़ी मतलब बड़ा लग रहा है, मीडियम साइज़ जैसा मुझे फील हो रहा है, बट दैट्स ओके। ऑलराइट, सो ये आपको डबल एक्सल तक मिल जाएगा वेबसाइट पे। करेंटली मुझे अमेजोन पे ना ये 2199 रुपीज़ का दिख रहा है। नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द स्टाइलिंग हियर। तो यहाँ पे मैंने ये इयररिंग ली है थोड़ा कंट्रास्ट करने के लिए, तो ग्रीन कलर एड ऑन किया है थ्रू माई एक्सेसरीज, तो ड्रॉप इयररिंग ले रखी है। फुटवेयर के लिए आई एम गोइंग अहेड विद दीज न्यू स्क्वायर टो हील। नाउ दिस इज़ अगेन ऑप्शनल, आप चाहो तो इनमें से कोई भी कलर, पिंक कलर हो गया या फिर गोल्डन कलर की जूती भी आप स्टाइल कर सकते हो। एंड टू कम्प्लीट द लुक आई एम टेकिंग दिस गोल्डन क्लच, एंड दिस इज हाउ द ओवरऑल लुक लुक्स लाइक गाइज। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट द वेडिंग एंड पार्टी वेयर कुर्ता सेट हॉल। नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन पार्टी वेयर साड़ी एंड ब्लाउजेज, जो कि मैंने आप लोगों को कहा था कि एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए ग्लैम देवी पे मैंने
क्यूरेट किया है वेडिंग सीजन को ध्यान में रखते हुए. मेरे पास कई रिक्वेस्ट यू नो वेलवेट के ऊपर भी आए हैं. वी आर वर्किंग ऑन इट एंड जैसे ही हमारे वो ब्लाउजेज वेलवेट के ऊपर बन जाएंगे आई विल बी शेयरिंग इट विथ यू गाइज ऑन यूट्यूब फर्स्ट, उसके बाद ही वेबसाइट पे जाएगा बिकॉज यू गाइज आर माय प्रायोरिटी. आपके लोगों के लिए मैंने ये ब्रांड स्टार्ट किया है तो पहले आप लोगों तक ही ये पहुँचेंगे ब्लाउजेज, उसके बाद ही फिर जनहित में जारी होगा. ऑलराइट गाइस, यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप. सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय.